मैं और छत्रपाल दोनों मिलके जैसे घर में हमारी बहन की या बेटी की शादी होती है तो हम लोग उसके लिए कार्ड छपवाते हैं, फिर जिनको जिनको इनविटेशन देना होता है इनविटेशन देते हैं कि हमारे घर में शादी आप प्लीज आइए। वैसे जितने हमारे लिंक थे सबके पास पर्सनली हम लोग है, चाहे वो तिग्मांशु दुलिया हो, उसमें नहीं जानते थे, वो तिग्मांशु दुलिया हो, अपना कश्यप हो, प्रकाश झा हो, सुधीर मिश्रा हो, जो उस तरह के फिल्म के पसंद करते हैं लोग। तो उसी दौरान अनुराग कश्यप हमारा टारगेट थे शुरू से, क्योंकि उनको पसंद, हमारा मन था कि हम, मतलब नहीं होता कि आप तिग्मांशु दुलिया के साथ काम करना चाहते हैं कि प्रकाश झा के साथ काम करना चाहते हैं कि सुधीर मिश्रा के साथ काम करना चाहते हैं कि अनुराग कश्यप के साथ करना चाहते हैं। तो अनुराग कश्यप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे, उसके लिए मुझे वजह ये थी कि आपको लगता था कि वो वहाँ पे इजीली काम मिल जाएगा क्योंकि वो नहीं, मुझे उनके साथ काम करना, नहीं उनके साथ काम करना, अच्छा ये स्पेसिफिक एक, एक फ्यूचर दिख रहा था जी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने बोला कि अनुराग कश्यप को पकड़ना बहुत मुश्किल था, तो वहाँ पे मैंने बोला कि अनुराग कश्यप को पकड़ना मुश्किल नहीं है जी। तो क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ पे काम करती है, तो उसको भी पहली बार पता चला डायरेक्टर को कि मेरी वाइफ अनुराग कश्यप की सेक्रेटरी है। तो मेरा जो दोस्त गया, मेरी वाइफ की वजह से अनुराग कश्यप से उसकी मीटिंग बहुत ईजिली हो गई। ठीक है, उसने इनवाइट किया। अनुराग सर की बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, उसमें क्वालिटीज़ है कि उनको 2 मिनट लगता है लोगों को पढ़ने में, ये मैं जानता हूँ। अच्छा। बहुत बढ़िया जानता हूँ क्योंकि मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर 6 महीने उनके साथ बिताया है, कास्टिंग से लेके शूटिंग तक जी। तो छत्रपाल से वो मिले और छत्रपाल को पता नहीं क्या पसंद आ गया, कैसा उन्होंने बोला कि डन किया कि मैं तुम्हारी फिल्म का प्रीव्यू देखने आऊँ। तो हम लोगों ने प्रीव्यू रखा फिर शॉप में बैंड्रा में जी। तो वहाँ पे सब लोग आए, सर भी आए, उन्होंने देखी फिल्म जी। और चूंकि मुझे थोड़ा बहुत जानते थे, क्योंकि मैं और नवाज हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, आप और नवाज हमने उससे पहले कुछ 2-3 शॉर्ट फिल्म साथ में हम लोगों ने काम किया था। ओके। तो नवाज चूंकि अनुराग सर से क्लोज पहले से थे जी जी, तो मुझे शॉर्ट फिल्म शायद देखा होगा उन्होंने नवाज की वजह से, तो उसमें मुझे तो मेरा चेहरा परिचित था जी। तो देखे सर ने बोला तू भी है क्या इसमें, मैंने कहा हां सर, तो मैं लीड में था उसमें, और लीड क्या वो मेरा लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट था जी जी। आप इसको देखोगे तो शायद लोगे, और मेरे अंदर यह था कि अब भाई दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता था मैं बढ़िया एक्टर हूँ, उनको तो रखना चाहिए, वो वाली चीज थी। तो खैर उन्होंने फिल्म देखा, फिल्म देखने के बाद बाहर निकले, उसके बाद हिम्मत हमारी नहीं हो रही थी कि उसे पूछा जाए, वो तो जो डायरेक्टर था वो तो फोकस दूर था, और भी दूर था बेचारा, वो भक्त कहते हैं अनुराग सर का, वो भक्त था एक्चुअली, तो इतना रिस्पेक्ट करता था एज ए फिल्म मेकर। आए बाहर निकले सर तो लोग भीड़ लगा लिए, जितने भी थे फोटो खिंचवाना ये करना वो करना उनके साथ, तो मैं भी उधर साइड में खड़ा सिगरेट पी रहा था, तो सर ने देखा तो स्माइल किया उन्होंने, तो मुझे लगा कि मामला कुछ पॉजिटिव है जी। फिर बोले कि तू ले जा ना, तो मैं सर में फोटो खिंचवा, तो उन्होंने बुला के मुझे फोटो जब लिया तो मुझे लगा कि भाई मामला सही जा रहा है, सही जा रहा है जी। ठीक है, फिर बोले कि अच्छा तू कल शाम को तो डायरेक्टर साहब आ जाए घर पे, कुछ बात कर लिया, अब मेरी कंडीशन मतलब बॉस निकल गई, ऐसा लग रहा है कि मामला निकल गया। अनुराग कश्यप के घर पे मैंने कहा ठीक है, अच्छा एक नंबर नोट कर, उन्होंने बोले एक नंबर नोट कर, ये मेरी सेक्रेटरी है, सना में सिमी, उसका नंबर नोट कर, मेरे मुंह से निकल गया कि सर है मेरे पास जी। ये हुआ, अब कल आना था, तो कल दोपहर में सिमी जी का कॉल आता है मेरे पास जी। ठीक है, घर से ही कॉल आ जाता है, नहीं ऑफिस से कॉल आता है, ऐसा सुनो सर जो आज शाम को तुमको बुलाया था तो उन्हें मिलने वाली है, उनका कुछ मीटिंग चल रहा है यूट्यूबर के साथ, उसमें सर का बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, 5-7 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था यूट्यूब के साथ, तो आज का कैंसिल हो गया ऐसा करके, तो बाद में सर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि फिर से मुझे कॉल नहीं आया, मैं घर पे जब मेरी वाइफ आई उन्होंने बोला कि सर ने बोला कल ऑफिस में आएंगे, मैं उस टाइम पे नेक्स्ट डे नहीं जा पाया क्योंकि मैं तब तक दारू की लत से बाहर नहीं निकला, बहुत ज्यादा पीना हो गया था, पीना मतलब कि मेरे लिए कल जाना मतलब कि मुझे 2 दिन का टाइम मिलना चाहिए था जब मैं अपने को प्रिपेयर करूं वहां जाने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर शर्म था जिंदा उसमें जो भी कहे, मुझे इस बात का था कि मतलब ध्यान था कि मैं पीके नहीं जाना है मुझे, मैं आज नहीं जाऊंगा 2 दिन बाद जाऊंगा वो चलेगा, लेकिन वो एक कहते ना वो जमीर जिंदा बचा हुआ था अभी तक, तो मैंने वाइफ से बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, सर को बोलो कल ऐसे कैसे बुला रहे तुम, आओगे पागल हो क्या, नहीं आ पाऊंगा, नेक्स्ट डे मैं नहीं गया क्योंकि मैं नहीं जा पा रहा था। ठीक है, लेकिन 2 दिन समय मिला मुझे, 2 दिन में अपना को प्रिपेयर किया, गया वहां पे ऑफिस में, ऑफिस में गया तो सर का ये था कि जैसे मैं एंट्री किया वैसे ही वो अंदर से बाहर आ रहे थे। ठीक है, तो आते ही उन्होंने मुझे पहचान लिया, जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया, सर का चिल्लाते हैं जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया, मुझे लगा शायद मेरे पीछे कोई, तो मुझे पता नहीं था जेपी कौन है क्या है। ठीक है, तो ऐसा अपना था, चले गए, जिशान आया उधर से, जिशान जेपी आता, जेपी आता, जेपी है,
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जेपी कौन है, कौन क्या, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद अच्छा सर का, अनुराग सर का क्या है ना कि खुश होते हैं तो भी ऑफिस मिलता है और गुस्सा होते हैं तो भी ऑफिस मिलता है, वो नॉर्मल होते नहीं है, किस पर सारी बात होती है। तो ये था वो था, सर उनका चालू था, ये अरे सुनो वैसे ठीक है सत्य मिट सिंह शिव सिंह जी शिव सिंह जी शिज हैंडिंग वाल ऑल वर्क ये वो उनका चालू हो गया। उनका सर मुझे अंदर से अब मुझे हंसी इस बात की आ रही थी क्योंकि अभी मैं 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर ये उनको बताने वाला हूँ कि शी इज माय वाइफ। हाँ ये मेरे अंदर की बात थी, तो मैंने बहुत ही पोलाइट होकर उनसे बोला कि सर आपसे एक बात कहनी। हाँ बोलना 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 क्या बात, बोलना बोलना इस टाइप से। सर मैं सिमी को जानता हूँ। हाँ सब जानते, जो भी जानते हो सिमी को जानते, ये जानते वो जानते। मैंने कि सर और से थोड़ा करीबी करीब से जानता हूँ, मैं करीब से जानता हूँ सर मेरी वाइफ को। शौक बोल दो मैं बोलता ऐसा कि क्या बाहर निकलते सिमी ये तुम्हारा हस्बैंड है ये? हाँ मेरा हस्बैंड है। तुम्हें बताया क्यों नहीं? नहीं बताना था मुझे। फिर मुझसे बोले कि तुम क्यों नहीं आए मिलने के लिए? मैंने कहा सर मुझे ऐसे मिलना था, और मेरे जैसे कितने और सारे लड़के होंगे शायद नहीं होता वो, लेकिन मैं लकी होकर आ गया हूँ। तो फिर उनका अपना ड्रामा, चलो ये देखो ऐसा है, इतने महीने से काम, साल भर से काम करती है, उसने बताया नहीं, ये नहीं बताया। फिर उन्होंने बताया कि एक मेरी फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें काम करेगा। मैं क्या करूँगा, वैसा करेगा वैसे करेगा। और उन्होंने मुझे उसी टाइम पर बताया था कि स्क्रिप्ट मैं देता हूँ तुम्हें, किसी को बताना नहीं है, इस फिल्म का हीरो तू बन के लिखेगा, कहानी पे मत जा तू। क्या बात है, उन्होंने पहले ही बता दिया था ये मुझे पता है, क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ और डिस्क्लोज तुम मत करना। बाकी पूरे शूट के दौरान किसी को नहीं पता था कि जेपी सिंह हीरो बन के निकलने वाला है, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेटेजी थी सर की। आर्टिस्ट को भी नहीं पता था, स्क्रिप्ट जो हमारे पास था उसमें कहीं से जिक्र नहीं इस बात का। मुझे याद है जब वो सीन शूट होने वाला था, जब सबको डिस्क्लोज करने वाला है कि साला जेपी बचने वाला है, तो जिस तरह से ड्रामेटिकली उन्होंने कहा था, जब सबको लगा कि अरे ऐसा क्या, ओ नया चेंज किया क्या तुमने, ये था। जबकि मैं उसको 3 साल पहले से जानता था, 6 महीने आप कह सकते हैं जानता था। तो इस तरह से गए सफासपुर आपको मिली, मुझे मिली। तो ये जो शूटिंग हुई थी फर्स्ट और सेकंड साथ में हुई थी या फिर आपको सेकंड के बाद? नहीं साथ में, तो मैं चूंकि कास्टिंग में भी था उसमें, मुकेश छाबरा जो कास्टिंग आज के डेट में नो डाउट बहुत बड़े कास्टिंग एक्टर है, और ऐसे ही नहीं बड़ा बना है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत मेहनती आदमी, बहुत टैलेंटेड आदमी वो। अभी उनको हाल ही में एक अवार्ड भी मिला है। हाँ मैंने वो था, अभी एक क्या बोलते हैं उसको, नाम है उसने बेंचमार्क आप कह सकते हैं उसको, एक चीज खड़ी कर दी। तो मैं और मुकेश उस समय हम लोग कास्टिंग, मुकेश के साथ में कास्टिंग करता था, अभी कास्टिंग करते थे, असिस्टेंट था मुकेश का। मुकेश चावड़ा जी को आप दिल्ली से ही जानते हैं? मैं थिएटर किया था लेकिन हमारे 97 में, ये जो दिल्ली में मेरा प्यार मोहब्बत हुआ था, ये मुकेश छाबरा भी उस प्ले में था। अच्छा ठीक है, गोवा में चंदन के थ्रू मैं मुकेश के साथ कास्टिंग करने लगा, तो मुझे पैसा मिलने लगा और एक रेस्पेक्टिव काम लगा मुझे, कास्टिंग का अच्छा लग रहा, अपनी इंडस्ट्री का, अपनी चीजें लगने लगी और रेस्पेक्ट लग रहा था उसमें, काम में भी बहुत क्रिएटिविटी था उस काम में। तो जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात आई, तब तक मेरा ये था कि जैसे ही मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर, मतलब मुझे अप्रैल 2010 में मेरी कास्टिंग हुई थी और शूटिंग शुरू हुई अप्रैल दिसंबर में गैंग्स ऑफ वासेपुर की, तो इतने दिनों से मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहा हूँ, मुझे मालूम था। जून महीने में मुकेश को पता है कि मुकेश कास्टिंग करने जा रहे हैं, जबकि मेरी अप्रैल में कास्टिंग हो चुकी है। तो जिस दिन मेरी कास्टिंग फिल्म में होगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर में होगी, मैंने कास्टिंग छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक्टर बनना था, एक्टर ही बनना है। फिर सर का भी थोड़ा सा प्रेशर था, अनुराग सर का और मुकेश का भी प्रेशर था कि मैं कास्टिंग करूं, क्योंकि लैंग्वेज हमारी एक ही है। अच्छा मुकेश मेरे काम को जानते थे क्योंकि मैंने उनके साथ कास्टिंग किया हुआ है जी। तो मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर में कास्टिंग भी कराया गया मुझसे। गैंग्स ऑफ वासेपुर आने के बाद कितना कुछ चेंज हो गया सर? आपका किरदार बहुत अच्छा था, मेरा फेवरेट है, कईयों का फेवरेट है, क्या कुछ चेंज हो गया? बहुत चेंज हो गया। ये एक मेरा ब्लॉग है गूगल्स पे जी, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान ही उन लोगों ने कुछ कहा था लिखने के लिए, एक साइट है मैड फॉर मूवीज जी, उस पे एक मेरा लिखा है, दो किस्त में है वो, आरा से वासेपुर जी हाँ। उसमें पहला ही लाइन उसमें लिखा हुआ है, मेरे बाबूजी का जो लाइन था उसको मैं अपने तरह से लिखा कि मेरे घर से मेरा जो शहर का सिनेमा हॉल है जी हाँ 10-12 मिनट का रास्ता है, मुझे वहां पहुंचने में 18 साल लग गया। क्या बात है, उसी सिनेमा हॉल में पहुंचने में मुझे 18 साल लग गया। फिर उसी सिनेमा हॉल में आपकी फिल्म लगी और आपके घर वालों ने देखा, पूरा शहर देखा। ठीक है, क्या बात है सर। तो ये जो 18 साल जो है ना, इस गैंग्स ऑफ वासेपुर ने ऐसे भर दिए कि पता ही नहीं चला, लोग पहचानने लगे, काम आने लगा, कॉन्फिडेंस खुद में आ गया, मतलब वो सब मिल गया। मैंने एक जगह पढ़ा था जो हम लोग यही सोचते कि यार मेरी किस्मत में, यार 30 साल में ये लिखा था,
32 साल में ये लिखा था, 28 साल में ये लिखा था, सारा झूठा चीजें होता ही नहीं है। नॉर्मली शायद मैं ऐसे ही सोचता था जी, जी। एक बुक मैंने पढ़ा ना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें एक लाइन थी ना जो पूरी मेरी सोच को बदल गया। उसमें यह था कि जैसे आपकी किस्मत में अगर 30 साल में लिखा है कि आपको गाड़ी मिलने वाला है, आपको फेम मिलने वाला है, आपको पैसा मिलने वाला है, और 30 साल में नहीं मिला जी, तो इसके कई कारण हैं। मतलब इसका कारण सबसे पहले तो ये कि ये आपके हिस्से से गया नहीं है, है। आप शायद उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो जी, आप शायद डिजर्विंग अपने आप को नहीं बना पाए हो, तो वो जो मामला है ना जो आपके किस्मत में था वो सब फिक्स डिपॉजिट में है, अभी भी है, फ्यूचर के लिए है, एकदम है। अब जिस दिन उसके लायक हो जाएगी सब मिलेगा। ये चीज मैंने महसूस किया गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद। उस सडनली 18 साल जो मैं स्ट्रगल घर से निकल के यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, वो पता ही नहीं चलेगा। सब एक सेकंड में लगा कि 18 साल तो बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा लगने लगा, क्योंकि सब उसने बैलेंस कर दिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है मेरे लिए उस फिल्म का, मेरे लाइफ में। एक दौर ऐसा आया कि आप जिंदगी से हार गए और सुसाइड करने की नौबत आ रही है। घर से लड़ झगड़ के गए दिल्ली नाटक करने जी, बंदूक बहुत जद्दोजहद के बाद जाना पड़ा। ऐसे लोगों को लगता है कि मेरे हम टीचर के परिवार से हैं, बड़े आजाद किस्म के लोग हैं हमारे फादर चाहे घर के, तो इजी था कि तुम चले गए। ऐसा नहीं है, मैं घर से लड़ के गया जी, ठीक है। तो उस समय दिमाग में ये था, कुछ समझ था नहीं, नाटक का भूत सवार था, तो ये था कि एनएसडी में जाना है जी, एनएसडी में जाना है। एनएसडी के बारे में मुझे पता नहीं था, इतने हम कटे हुए थे दुनिया से उस समय, जिस जगह से बिलोंग करते हैं हम लोग जी, कि मुझे एनएसडी में क्या होता कैसे होता जाके ही पता करना पड़ा, ठीक है। जैसे पहले बताया मैं कि मुझे दो बार मैं जाके दिल्ली लौट आया हूँ और घर पे ताने खा चुका हूँ, तो तीसरी बार जब मैं गया, जब मैं अरविंद गौर जी के साथ रहा करने लगा, तब मैं ग्रेजुएशन मेरा हो चुका था जी। ये बात है 98 की बात, ठीक है। तो मैंने भी एनएसडी का फॉर्म भरा था, और मेरा जीवन का एक ही था कि यार एनएसडी में जाना है, नाटक सीखना और नाटक करना है, बाकी दुनिया में मुझे शायद मतलब बंजारा जिंदगी जीना है जी। तो उस साल क्या हुआ कि एनएसडी में कुछ प्रॉब्लम हो चुका था, क्योंकि 96 में और 97 में, ये दोनों साल में 96 में 6 बिहारियों का और 97 में 7 बिहारियों का एडमिशन हुआ था, 20 सीट में से 6 बिहारी और 7 बिहारी को, दिल्ली का किसी बंदे का नहीं हुआ था। और उस वक्त वहां के डायरेक्टर भी कोई बिहार के ही, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, राम गोपाल बजाज वहां के डायरेक्टर थे उस समय, इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि 30,000 कोर्ट में केस भी गया जी उसका। तो जितने भी उस साल बिहार से लोग थे उनका एडमिशन हो गया, फॉर्म नहीं रिजेक्ट, फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। अच्छा, तो मैं उतना मैच्योर नहीं था, बहुत अब समझ में आता, उम्र भी कम थी मेरी, और जिस शहर से आए थे नहीं हुआ, तो मुझे लगा यार अब जिंदगी में क्या करूंगा मैं, और बहुत डिप्रेशन में रहा, और मैंने सोचा कि ये सब तरह की खराब बातें दिमाग में चल रही थी। बस अड्डा जो दिल्ली का है वहां पे मैं था, कश्मीरी गेट के पास, रात को 12:30 ऐसे कुछ हो रहा, बहुत अगर बस अड्डा के बाद ट्रैफिक बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं, मुझे ऐसा लग रहा था, सिगरेट पी रहा था उसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत आसान है, मतलब जो चीज़ थी नहीं जिंदगी में मैं इतना ले लिया था, अब बचा ही नहीं कुछ जिंदगी में यार। ऐसा इसी दौरान क्या हुआ ना, सारी चीज़ सोच ही रहा था मैं, तो एक बंदा मतलब सडनली सड़क से निकल गया था, जब गया वो उड़ गया, तेज रफ्तार गाड़ियों से उड़ गया, एक्सीडेंट उनका हो गया, लिटरली उड़ गया, मतलब मुझे समझ नहीं, बहुत फिल्मी सब हो रहा है लेकिन सच्चाई है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब लिटरली जो कहते हैं ना फट जाना, मतलब ऐसा लगा कि वो नहीं जाता तो मैं जाता। उसके बाद से भाई जीवन में कभी भी उस तरह ख्वाब नहीं आया कि सोसाइटी में करना है, कभी नहीं। उसकी वजह से आपकी जान बच गई, कह सकते हो? अब जान बच गई तो कह सकते हैं, लेकिन मतलब उस मेंटल कंडीशन तक मैं पहुंच चुका था। सत्या भाई, इसके बाद, इसके कई सालों बाद आपने अंधेरी में एक कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे आपने कोरियर भी बांटे। सही बात है। क्या स्टोरी है इसकी? मुंबई आते ही शादी हुई, उस वक्त काम ढूंढने की बात हुई, क्योंकि बहुत जद्दोजहद में हुआ था, घर वाले को मानना पड़ा था, लेकिन घर के साथ हुआ, मतलब 2 साल लगा मुझे घर वालों को साथ में मना के शादी करने का। तो अब ये था कि क्या काम किया जाए, एक वैसा काम करना है, मैं इस तरह का आदमी थोड़ा हूँ, क्योंकि मेरे लिए काम बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, तो वैसा मैं काम करूँ जो मेरे काम का हो, ठीक है। और कंडीशन ऐसा था कि मुझे शाम को कैश चाहिए था हाथ में, वो काम करना, डेली खर्च से घर चलता था, घर चलता था, तो कुरियर चुना गया था कि कुरियर ही करना है, इसी इलाके में करना है, तो उसके पीछे रीजन ये था कि 40 रुपया रोज मुझे ट्रैवलिंग का रोज दे देते हैं, जो मैं बचा लेता था पैदल करके, ट्रेन से ज्यादा था, ट्रेन का टिकट मिलेगा था जी, तो 20 रुपये मेरा वो 20 रुपये नहीं, उसमें 6 रुपये 12 रुपये वो बचता था जी। ये किस ईयर की बात बता रहे? ये 2004-05 की बात, 2004। तो वो पैसे बचते थे मेरे, कहीं जाना होता था
जिससे उनका कार्गो में जाना होता था अंदर ईस्ट, और मेरा ऑफिस जहाँ था कोई मुस्लिम साहब तो मैं नाम भूलना पड़े थे, बात तो जानते ही मैं एडिटर ही हूँ, झूठ बोला था मैंने थोड़ा कि मैं एडिटर हूँ और सर मुझे एडिटिंग करना है और मेरे फादर के पैसे से मुझे नहीं करना एडिटिंग, मैं अपना कुछ कमा एडिटिंग करना चाहता हूँ, सर इसलिए मैं ज्वाइन करना। लोग हंसते हैं आप इस पर, ऐसा एक्टर बन जाएगा वो है, ठीक है मुझे नहीं बताना था तो उसके थ्रू मैं अंदर जाया करता था और जाके जो कास्ट डायरेक्टर है जो राइट पर्सन हो उससे मिल लेता मिल लेता था, हालांकि राजा नहीं हुआ अलग बात है, बट एक पर्पज था कुरियर जॉइन करने के पीछे। अभी मेरे तीन फिल्म है जो ऑलमोस्ट रेडी है, एक है माया द माया टेप, ये निखिल अलग ने डायरेक्ट किया है जो राजकुमार ज्ञानी का असिस्टेंट था उसकी पहली फिल्म है जिसमें मैं और नवाज लीड में है, एक हॉरर फिल्म है ये बन के मुझे लगता है कि अच्छा खासा टाइम हो गया, 6-7 महीना हो गया जो रिलीज के लिए, पता नहीं क्यों रिलीज नहीं हुआ या जो भी हो, वो प्रोड्यूसर था एक वो फिल्म है। दूसरी है मिसेज स्कूटर, मिसेज स्कूटर अभी जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, इसमें मैं और अंजलि पाटिल जिसमें नेशनल अवार्ड मिल चुका है, और तीसरी फिल्म अभी मैं करके आया फुलेरा नाइट्स, ये बिहार बेस्ड एक स्टोरी है जो फुलेरा जोकर है और नाच पार्टी बिहार में कल्चर होता है, लौंडा होता है जो लड़का लड़की बन के नाचते हैं, उनकी एक पूरी टीम होती है जिसमें जोकर होता है, इस पर बेस्ड एक ट्रेडिशनल स्टोरी है बिहार की, इसका पोस्टमार्टम चल रहा है, बाकी दो फिल्में बन के रेडी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट थर्ड की बातें चल रही है मार्केट में, मैं भी 100% कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन बात है कि बन रही है वो फिल्म होगी, तो इस बार तो आप ही होंगे ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मैं भी चाह रहा हूँ ऐसा मैं भी चाह रहा हूँ कि ऐसा हो, लेकिन जेपी सिंह जो कैरेक्टर है उसको मतलब आना ही है निकल के पार्ट थर्ड में, आने का डिमांड मांग, जेपी सिंह ही बचे हैं उसमें, बिल्कुल तो मेन कैरेक्टर वही होंगे, बिल्कुल हाँ ऐसा लग रहा है मुझे भी होना चाहिए, चाहता हूँ कि हो इंशाल्लाह। सत्या जी को एक आई थिंक डायरेक्शन का भी कुछ इंटरेस्ट है, कुछ प्लानिंग है मूवीज डायरेक्ट करने की एज ए डायरेक्टर? हाँ मतलब दिमाग में बहुत सारा जो चीज थी कि मतलब सिर्फ एक एक्टिंग में बंद कर नहीं रहना, जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ राइटिंग में करता हूँ बहुत शुरू से करता हूँ, जो भी दिल की बात है मैं आपके लिए शायद नहीं लिख पाऊँ लेकिन अपनी बातें मैं लिखता हूँ, मैं नॉवल मेरा ऑलमोस्ट बुक कम्प्लीट है जी। तो इस तरह मैं चीज़ें लिखता रहता हूँ, तो उस दौरान ये सब भी दिमाग में बातें थी कि डायरेक्शन वगैरह की बातें, कभी मौका मिलेगा तो, क्योंकि मेरे जो आइडियल हैं जिनको मैं फॉलो करता आया हूँ आज भी करता हूँ वो है कमल हसन, कमल अगर मैं अगर आप मुझसे पूछो कि आपको क्या बनना है तो मैं बोलूँगा मुझे कमल हसन जैसा बनना, वन मैन आर्मी है वो, और मैं जब 8th क्लास में था उस समय VHS हुआ करता था, 8th क्लास का लड़का होकर मैं पटना जाता था अपने शहर से और VHS लेके आता था और फिल्म देखता था कमल हसन की, चाहे आपू राजा हो चाहे पुष्कर, मैंने पुष्पक उनकी फिल्म उस जमाने में देखी है, चाहे शायद लोगों को पता नहीं होगा पुष्पक ऐसी कमाल की फिल्म है, आप लोग देखिए जो भी देख रहे हैं, इंडिया की पहली साइलेंट फिल्म हो, तो ये सारी चीज़ तो मुझे कमल हसन बनना है, तो उसमें डायरेक्शन भी है, तो मुझे अपनी भाषा से बहुत प्यार है, भोजपुरी भाषा से बहुत प्यार है मुझे, ठीक है मुझे अपने शहर से बहुत प्यार है क्योंकि मैं जानता हूँ उस भोजपुरी भाषा की गरिमा को जानता हूँ, उसके डेप्थ को जानता हूँ, क्योंकि मेरे घर से पढ़े हुए। छोटा सा आपसे ब्रीफ में जानना चाहेंगे, अभी एक मुहिम आपने शुरू की है अम्बा जो कि भोजपुरी भाषा के लिए, एक छोटा सा ब्रीफ में अगर उसके बारे में बता दें तो। वही मैं कह रहा था कि भोजपुरी भाषा से मुझे इतना प्यार है क्योंकि मेरी अपनी भाषा है, हर आदमी को अपनी भाषा से प्यार होती है, तो जिस तरह से जो भोजपुरी में हो रहा है लोग जो बिहार से या भोजपुरी भाषी लोग हैं या जो भोजपुरी को थोड़ा जानते हैं उनको लगता है कि यार ये जो है ना गंद है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि वहाँ का कल्चर क्या है, मतलब छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे किसी आदमी को फ्रांस के बारे में नहीं पता है कि फ्रांस क्या है, हम फ्रेंच फिल्म देखेंगे तो हम वहाँ के लोगों के बारे में धारणा बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो हम सिनेमा में देखते हैं मैं बता रहा हूँ सिनेमा कितना प्रभाव होता है, जो गैर बिहारी हैं उनके नजर में जो भोजपुरी सिनेमा और जो गाने देखते हैं उनको लगता है कि यही है, ये चीज बहुत हर्ट किया, दुख हमेशा पहुंचा रहा था कि ये नहीं है, लेकिन ये था कि आप क्या करोगे भाई जी, तो करना तो था, ये था कि टाइम आए कुछ कर सकता हूँ,
तो करूंगा। तो वो टाइम मुझे लगा कि आ गया, तो मैंने अम्बा नाम से एक मुहिम शुरू किया जी। ये अम्बा जो है अश्लीलता मुक्त भोजपुरी एसोसिएशन है जी। एक मुहिम शुरू किया, एक साल हुआ अभी जनवरी में उसका पहला वर्षगांठ रहा जी। और अपने शहर में हमने बैन करा दिया इस तरह के अश्लील गाने को पब्लिकली, पब्लिक प्लेस पे आप नहीं बजा सकते। क्या बात है। उसके लेके बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे हम लोग काम कर रहे हैं उसको लेके, ताकि हम जो सही कल्चर है जी, सही चीज है, उसको हम दुनिया को दिखाएं, क्योंकि मेरी वो भाषा है। बिल्कुल ये है। आप लोगों का भी साथ चाहूंगा, अगर भाई लोग भी हो देख रहे हो, और करण भाई आपका भी चाहूंगा, सब लोग का चाहूंगा कि एक अच्छा काम हो रहा है। बाकी इतनी सारी बातें हमसे करने के लिए सर थैंक यू सो मच। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो स्टोरी है वो हमारे स्ट्रगलर या जो एक्टर लोग हैं वो देखेंगे और बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए जी, मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि कहने लायक हो गया, लेकिन अपने जीवन का एक अनुभव मैं जरूर शेयर करूंगा जी। ये बात जरूर हर आदमी जान ले कि हम जब घर छोड़ के आते हैं कुछ भी करने के लिए, तो हमें स्ट्रगल करने के लिए ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब हम जब आते हैं ना घर से लड़ के या घर के सपोर्ट से हम कुछ करने आते हैं बॉम्बे में कहीं भी, तो हम स्ट्रगल जानते हैं घर जा रहे हैं स्ट्रगल करने ही आते हैं हम लोग। तो स्ट्रगल करने आते हैं मतलब कि आपको स्ट्रगल करना है। तो ये जो रोना रोना होता है ना कि साला मैं इतना स्ट्रगल करता हूँ, मैं सपोर्ट कर जाता हूँ, मैं यहाँ मिलता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, ये अप्रोच गलत है, क्योंकि आप इसी के लिए आए हैं। ये आपका एक जर्नी जो है ना उसके ये पड़ाव है, इसको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसको पॉजिटिव लीजिए, इंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए, मजा आएगा। क्या बात है सत्या जी, थैंक यू सो मच इतनी सारी पॉजिटिव बातें हमसे करने के लिए। और दोस्तों ये आपने देखा कि कितनी सारी पॉजिटिव बातें की, कितना सारा स्ट्रगल रहा इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी ये डटे रहे और इन्होंने साबित कर दिया कि इनसे सब कुछ हो सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज देखते रहिए कैम फिल्म, प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।